बॉल जब आपको लगती है ना तब डर खत्म हो जाता है एक्चुअली। जितनी देर तक आपको बॉल नहीं लगती तब तक आपके मन में डर रहता है, पर जब आपके बॉल लग जाती है तो आपको लगता है ये तो ठीक ही है, मतलब इतना कुछ हुआ नहीं, फिर आपके मन में डर निकल जाता है। हाय, आई एम शुभमन गिल, राइट हैंड बैट्समैन। आई प्ले फॉर द कोलकाता नाइट राइडर्स एंड आई प्ले टू विन। सबसे पहले बैट आई थिंक मैं 3 साल का था तब पकड़ा था सबसे पहले बैट। उसके बाद जैसे पापा को काफ़ी शौक था क्रिकेट का, तो घर पे बैट्स पड़े रहते थे, बट वो जो बैट थे वो मेरे लिए थोड़े भारी थे। तो मेरे दादाजी ने, उन्होंने वहाँ पे हमारे घर के सामने एक, वहाँ पे पंजाब में शपेदे जिसे कहते हैं, वो उनके पेड़ होते हैं, उनकी लकड़ी काफ़ी हल्की होती, तो उनको काट के उनका एक बैट बनाया था छोटा, तो वहाँ से शुरू हुई थी। सही से आई थिंक 6-7 साल की उम्र में मैंने लेदर बॉल से खेलना शुरू कर दिया था। तो हम वहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर एक शहर था, उसमें स्कूल था, वहाँ पर प्रैक्टिस करने जाते थे। उस स्कूल के पास पापा की कुछ ज़मीन थी जहाँ पे वो उनको देखते थे, तो वो मुझे स्कूल पे छोड़ देते थे और फिर वहाँ पे चले जाते थे। मतलब मेहनत नहीं, मतलब अच्छा लगता था तब, बच्चों को ऐसे नहीं लगता कि वो मेहनत कर रहा, उसको तो अच्छा लगता है ऐसे कि बैटिंग कर रहा हूँ मैं, कि मेरे लिए तो वो भी एक एस्केप है स्कूल, स्कूल से, कि स्कूल का होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था मैं। एक वहाँ पे जैसे छोटा कार्टन होता था, तो वो विकेट से थोड़ा सा विड्थ में थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा होती है विकेटों से, और वो मेरी हाइट, तब मैं छोटा था और वो मेरे यहाँ पर आता था, वैसे तो इतना सही होता तो मेरे काफ़ी बड़ा आता था। तो मेरे पापा कहते थे कि जो भी उस पर बेसिकली जो बोल्ड करेगा टेनिस बॉल से, कैसे भी थ्रो करो, बॉलिंग डालो, कैसे भी करो, जो बोल्ड करेगा उसको पैसे देते थे, 50 रुपये या 100 रुपये ऐसे। मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा होते थे, मतलब मैं तब 5-6 साल का था जब वो करते थे, वो गांव में करते थे, तो मेरे लिए तो 50 रुपये तो मतलब बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितने, मतलब तब तो ऐसा होता था 1 रुपये में 2 या 3 टॉफियाँ आती थी, हजमोला कैंडी आती थी, तब तो मुझे वो बहुत पसंद होती थी। फिर मैं तो ऐसे होता था 50 रुपये पता नहीं कितनी आ जाएंगे, कितने दिन चलाऊँगा, बट वो आई थिंक हफ्ते में अगर 7 दिन हम खेलते थे तो मैं 1 या 2 बार ऐसे होता था कि मतलब बॉलर आउट कर देगा, ज़्यादातर वो मेरे पास ही आते थे, मैं मम्मा को देता था एक्चुअली। एकेडमी में मैं 2007 में जब हम वहाँ से मेरे गांव से शिफ्ट होकर मोहाली में आए, तो वहाँ पे फिर एकेडमी में मैंने ज्वाइन किया। उससे पहले कोई एकेडमी, वहाँ पे जो स्कूल में प्रैक्टिस करने जाते वहाँ पे एकेडमी नहीं होती थी एक्चुअली, वहाँ पे जो स्कूल में बच्चे आते थे खेलने के लिए तो उनके साथ खेलता था मैं, वहाँ पे कोई एकेडमी नहीं होती थी। एकेडमी मैंने 2007 में ज्वाइन की मोहाली में, और वहाँ पर जिस ग्रुप में मतलब मुझे डाला तो वो बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, वो ग्रुप में छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं 2-3 दिन गया, फिर पापा को जाकर बोला कि यहाँ पे भी अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने जाके कोच के साथ बात की, कोच ने बोला नहीं इसके बॉल लग जाएगी ये वो, तो उन्होंने बोला कि चलो ऐसे एक बार इसका ट्रायल ले लो, ऐसे अगर आपको लगा कि इससे नहीं खेली जा रही तो आप इसे अगले ग्रुप में मत डालना। तो ऐसे ही उन्होंने बॉलर बुलाए और फिर जो वो बॉलर थे मैं उनको मतलब अच्छे से खेल रहा था, तो फिर उन्होंने मुझे अगले, मतलब 8 साल का था मैं तब, तो उन्होंने अंडर 14 के ग्रुप में प्रमोट किया। हार्डवर्क काफ़ी रहा बिकॉज़ जैसे मैं स्कूल जाता था, तो स्कूल से आई थिंक 1-2 बजे वापस आ जाता था, फिर खाना वगैरह खा के मैं 3 बजे चला जाता था, और वहाँ से फिर हम रात को वापस आते थे, ऑलमोस्ट रोज़ ऐसा ही होता था। और तब अगर जैसे संडे को, अभी जैसे थोड़े साल पहले पता था कि संडे को ऐसे छुट्टी होती है, रेस्ट डे होता नहीं, तो पहले संडे को होता कि संडे मतलब और 2 टाइम करेंगे, तो फिर संडे को या फिर सैटरडे को जब छुट्टी होती थी तो फिर सुबह भी जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर शाम को जाते थे, तो बहुत मतलब तब मतलब मेरे पापा के लिए काफ़ी हार्डवर्क था बिकॉज़ वो दोनों चीज़ें हैंडल कर रहे थे, पर मेरे लिए वो कभी हार्डवर्क नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि अच्छे मुझे मज़ा आता था खेलने में, और मेरे लिए वो जैसे मस्ती करने का टाइम होता था एक्चुअली। मुझे, मेरे पापा को ऑब्वियसली उनको बिलीव था कि मैं ऐसे इंडिया खेल सकता हूँ, पर मुझे मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मैं कहता तो सभी ऐसे ही खेलते होंगे, मतलब सभी ऐसे ही, सारे बच्चे ऐसे ही हैं। तो बट जब धीरे धीरे टूर्नामेंट्स और मैचेस खेलने लगे वहाँ पर, अपने अपने से बड़े एज ग्रुप में जब मैं परफॉर्म करता, तब मुझे लगता था कि
मैं खेल सकता हूँ। बट अब जैसे जैसे खेलते जाते हो, जैसे जैसे परफॉर्म करते रहते हो, आपको वो बिलीफ तभी आता है। मतलब ड्रीम तो ऑब्वियसली सभी का होता है, इसीलिए शुरू करते हो आप। अगर कोई भी स्पोर्ट, कोई भी गेम खेलनी शुरू करते हो, तो आपका अगर उसमें आप अच्छा करें तो आपका मेन ड्रीम तो ये होता है कि यार एक बार अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है आपने। बट वो बिलीफ धीरे धीरे तभी आता है जैसे जैसे आप अच्छा करते रहते हो, तभी वो बिलीफ और स्ट्रांग और धीरे 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 और स्ट्रांग होता रहता है। बॉल जब आपको लगती है ना, तब डर खत्म हो जाता है एक्चुअली। जितनी देर तक आपको बॉल नहीं लगती तब तक आपके मन में डर रहता है, बट जब आपके बॉल लग जाती है तो आपको लगता है ये तो ठीक ही है, मतलब इतना कुछ हुआ नहीं, फिर आपके मन में डर निकल जाता है। छोटे होते मुझे बाउंसर से बहुत डर लगता था कि मेरी बॉडी पे लग जाएगा, और ये जो चेस्ट हाइट वाली बॉल होती थी इस पर मुझे होता था कि यार कि ये पहले ही मैं इस बॉल के लिए रेडी रहता था। और जैसे ड्राइव्स की प्रैक्टिस बहुत की है तो उसी में वो शॉट पक गया जो सीधे बैट से आप पुल की बात कर रहे थे। एक ये शॉट और एक हट के कट, क्योंकि छोटी बॉल से डर लगता था तो ऐसा होता कि बॉल की लाइन से हटकर मारना है शॉट, तो ये दो तीन शॉट थे जो छोटे होते मैं बहुत खेलता था और वो भी पक गए हैं। एक बार क्या हुआ था कि मैं 9 साल का था तो मुझे मैच खेलने को बोल दिया बड़े एज ग्रुप में। तो क्या हुआ, एक बॉलर होता था वहाँ पे एकेडमी में, जैसे एक बॉलर का होता है ना कि सारी एकेडमी में होता है कि यार ये बहुत तेज़ है बहुत तेज़ है, तो उसके उसको बैटिंग आ गई, मेरी बैटिंग आ गई उसके सामने, तो उसको ऐसे मैं डर रहा था थोड़ा, तो मुझे था कि यार ये पहली बॉल तो मुझे बाउंसर ही मारेगा, मैं बस कुछ नहीं देखूंगा नहीं, सिर्फ बैठ जाऊंगा नीचे। उसने बाउंसर मारी और उसने बाउंसर में उसने आगे डाल दी और मुझे दिख भी रही है बॉल आगे आएगी, फिर भी मैं नीचे बैठ गया और मेरे बैट पर लग के पीछे एज लग के चौका हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो ठीक ही है, इतनी भी तेज़ नहीं है। फिर उसके बाद मैंने उसको 2-3 चौके मार दिए और फिर मैं काफ़ी छोटा था, फिर सारे बोलने लगे यार इसने कैसे मार दिया। फिर ना बिलीफ और कॉन्फिडेंस आ जाता था। वो एक इंसिडेंट ऐसा था जिससे मतलब मेरे मन में डर चला गया लेदर बॉल और बाउंसर से। पता ऐसे आई थिंक रात के 9:30-10 बजे का टाइम था और हमारे होटल के पास ही में एक ऐसे किंडरगार्टन काइंड ऑफ पार्क था जहाँ पे छोटे बच्चों का झूले और वहाँ पे बहुत अच्छा मतलब वो पार्क था क्राइस्ट चर्च में। तो वहाँ पर रात के 9:30-10 बज रहे थे, मैं नागर और अभिषेक थे वहाँ पर, ऐसे खेल रहे थे हम। और अगले दिन हमारा मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ऐसे हम वहाँ पर झूला झूल रहे हैं और एकदम ही मुझे काफ़ी सारे, और एक्चुअली नहीं मेरा नेट बंद था, नागर या फिर अभिषेक उन दोनों में से किसी का इंटरनेट ऑन था, तो उनको एकदम ही काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, अभिषेक पता नहीं या नागर गोटी को। तो तब मुझे पता चला कि मेरी ऑक्शन चल रही है, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी ऑक्शन चल रही है। तो वहाँ पे फिर जैसी मतलब मैंने ऑन किया, जस्ट मेरी तब ख़त्म ही होगी जैसी हमने लगाई। और उसके बाद फिर हम तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर अगले दिन नागर का था, हमारा मैच दोपहर का था, आई थिंक 1-2 बजे का मैच था और नागर की उसी टाइम पे थी, और उससे पहले हमारी मीटिंग थी। और मीटिंग में सारे ऐसे फ़ोन लेके बैठे हुए हैं, जैसे अभी मीटिंग शुरू हुई 5 मिनट में, ऑक्शन मावी की आई थिंक किसी की ऑक्शन चल रही थी, हमारी टीम मीटिंग चल रही थी। जैसे ही राहुल सर आए कहते कि ये मैच ख़त्म होने के बाद तुम देखना, इससे पहले कोई अपनी ऑक्शन नहीं देखेगा। तो फिर उसने मावी ने पता नहीं फ़ोन बंद करके जेब में रखा और उसकी आवाज़ तब भी आ रही थी, तो उसके साथ वो थोड़ा सीन हो गया। तो राहुल सर ने उसको बुलाया, ऐसे बोला कि ऑक्शन नहीं किसी ने देखनी है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहा मेरा, और जितना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे कितना इतना सारा मतलब प्यार और कोचेस से इतनी सारी अटेंशन और इन्फॉर्मेशन, जितनी मैंने सोची थी उससे मुझे ज़्यादा ही मिली। और पहले जैक एलिस के साथ थे और सारे मतलब अपने अपने जैसे सारे अलग अलग डिफरेंट अलग अलग करेक्टर थे, अलग अलग बंदे थे सारे, और उनके साथ टाइम स्पेंड किया और अपनी जाना उनको कि वो अपनी गेम को कैसे अप्रोच करते हैं और वो कैसे खेलते हैं। इट वॉज सच अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव अ क्वालिटी प्रैक्टिस, एंड वो जनरली मिलती नहीं है जब हम वापस जाते थे तब, बिकॉज जब वापस जाते हो तो यू नो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, और वहाँ पे इतने क्वालिटी बॉलर्स नहीं होते, मतलब ऑब्वियसली होते हैं बट इतने तरह के नहीं होते। जैसे एकेडमी में तो स्पेशली बॉलर्स बुलाए हुए थे हमने डोमेस्टिक, और अलग अलग तरीके की विकेट्स जो होती हैं वो हमको मिली थी।
तो वो द एक्सपीरियंस वॉज सो ओवरवेलमिंग कि अब बंदे को लगता है कि यार बस जितना कर सकता हूँ इसी में कर लूँ मैं, तो वो फिर ऐसा होता है कि यार मन करता ही नहीं है बाहर आने का, कि करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ब्रेंडन से जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सीखने के लिए वो यही है कि जब वो बैटिंग करने जाते थे उनका क्या माइंडसेट होता था। वो इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा फ्रीली वो खेलते थे, और इतने ज़्यादा ऐसे लगता था कि यार जब भी बंदा जैसे नया बैटिंग करने जाता तो एक खौफ होता है ना, एक ऑरा होता है बैट्समैन का, और उनका वो ऑरा और वो इतना ज़्यादा मतलब तगड़ा था मैकलम का। तो मैं पूछना, वो ऑफ द फील्ड ऐसी क्या प्रिपरेशन करते थे, और ऑन द फील्ड वो ऐसा क्या सोचते थे कि दूसरी टीम इतने ज़्यादा प्रेशर में होती थी जब वो बैटिंग करने आते थे। वो जब आप पावर से मारने जाते हो और 3-4 बार आउट हो जाते हो ना, उसके बाद ही पता चलता है आपको कि नहीं यार दिस गेम इज़ नॉट फॉर मी, बिकॉज आप कितनी भी ट्राई कर लो, जो जो चीज़ आपकी स्पेशलिटी है वो आपकी, या वो आप किसी और की कॉपी नहीं कर सकते। जो आपकी चीज़ अच्छी है आप उसी को और अच्छा करने में जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पेसिफिकली किसी के साथ ऐसे काम नहीं करा, जैसे जब हम वर्ल्ड कप के बाद आए तो थोड़ा टाइम था वहाँ पे, मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की, और उसके बाद फिर हमारा कोलकाता में जो कैंप लगा था वहाँ पर मैंने उस चीज़ की प्रैक्टिस की छक्कों की। जैसे तब मैं नीचे बैटिंग कर रहा था, तो उस टाइम मेरा रोल अलग था कि नीचे अगर टीम के ऊपर जल्दी आउट हो गया तो उसको एंकर करके लेके जाना, लास्ट में जाकर अगर साथ में तुम्हारे विकेट्स हैं तो जाकर मारना, और अगर अगर अच्छी सिचुएशन में बैटिंग आ गई है तो फिर अपना नॉर्मल गेम खेलनी है जैसे तुम्हें लगता है वैसे खेलना। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप जो प्रैक्टिस में करते हो वो मैच में एग्जीक्यूट होता है, वैसे 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 आपका कॉन्फिडेंस आता है।